अब तक आपने देखा हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ अनुराग के पास वापस चली आती है। सृष्टि देर रात अपनी सहेली की मदद के लिए गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ने पर पूछताछ के लिए दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जहां सरपंच अपना पुराना बदला विद्वान और सृष्टि से ले सके, उसी वजह से वो सृष्टि की शादी एक पागल से करवाने का फैसला सुनाता है। जहाँ बैजू आकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर उसे गांव वालों के इस दंड से बचाता है, लेकिन जब बैजू सृष्टि को कहता है कि ये उसने सिर्फ उसे बचाने के लिए किया और वो तब तक इसे नहीं मानेगा जब तक सृष्टि नहीं चाहती, सृष्टि बैजू से शादी के लिए हाँ करती है। सारा घर धूमधाम से सृष्टि और बैजू की शादी कराता है। अब आगे कन्या की मांग में सिंदूर भरिए, अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। ऐसे का टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं आप? इधर आइए ना, ये फंस गया ससुरा, निकल ही नहीं रहा। बस तो मैं भी क्या हूं तुम्हारे प्यार में, क्या करूं, निकल ही नहीं पा रहा हूं। एक सेकंड, अरे मिस्टर जी, तो फाइनली वो रात आ ही गई। कौन सी रात मिस्टर जी? जब हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर आज रात मुझे तुमसे खूब सारी रोमांटिक बातें करनी। अगर ये बात है ना तो फिर ठीक है। आज आप हमसे जो है ना खूब सारी ढेर सारी बातें कीजिए और हम ना आपका पूरा साथ निभाएंगे। पक्का? पक्का। निभाओगी? निभाएंगी। आइए आप अपने दिल का ना सारा बात कीजिए, बताइए। आज कितने दिनों बाद तुम्हें से चहकते चिल्लाते एकदम जोश में बातें करते देखा, कितनी प्यारी लग रही थी जानती हो। तुम्हारा ऐसा रूप देखते हुए ना मुझे कभी कभी खुद से जेलस होता है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जैसी वाइफ अगर किसी लड़के को मिल जाए तो वो लड़का कितना लकी होगा, और मुझे देखो मैं तो
रागिनी? हाँ। रागिनी? ओ मिस्टर जी, नींद आ रही है? मिस्टर जी, सुन रहे हम, सुन रहे आप जो कहे थे ना, हम सारा बात सुन रहे हैं कि हम खिलखिलाते हुए और चहकते हुए चले। मैं जानता हूँ तुम बहुत थकी हो, आराम से सोचो। अब क्या है, अब तो कई रातें और कई सुबह हम दोनों को हमेशा साथ में रहना है। अरे 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 अरे, कहाँ? आज सृष्टि भौजी से हम आपको ऐसे नहीं मिलने देंगे। कहा है कि आज सृष्टि भौजी से मिलने के लिए ना आपको नेक देना पड़ेगा। निकालिए हमारा नेक। आज दुलारी दीदी, आप हमको भाई बोली ना अभी सबके सामने। और कोई बहन अपने भाई से नेक लेती है? बहन अपने भाई से नेक लेती है कि नहीं हम नहीं जानते। बाकी आप ही की अम्मा हमको सिखाई है कि जहाँ फायदा हो ना उधर हो जाना चाहिए। आज सृष्टि भौजी की तरफ हमारा फायदा है, वो चलते हम उनके तरफ है। और निकालिए हमारा नेक, नहीं तो आज हम सृष्टि भौजी के साथ सो जाएंगे। आप सोतेंगे? अरे नहीं, ऐसा ऐसा मत करिएगा, समझे ना, आपको तो हम सोने देंगे भी नहीं यहाँ पे। अब ऐसा है कि हम दे देते हैं आपको अपना नेक, ले लीजिए। जो है ना सैलरी आज हमको साफ सुबह सुबह दिए थे पूरे महीने का, ये दीजिए, अब पूरा आपका। का बोले साहब? बैजू भैया, आप ना बड़का फूफा को ससुर जी ना तो पापा कहने का आदत डालिए, ना तो का है कि सृष्टि भौजी को ना आप मैडम जी कह दें। अरे तो मैडम जी को तो मैडम जी कहेंगे ना, हम हमेशा मैडम जी कहते आए हैं। दुलारी दीदी, शादी हो गई तो रिश्ता नहीं बदला है ना, अब अभी भी हम घर के नौकर है और वो हमारी माँ के। बताओ सृष्टि भौजी का तो भाग खुल गया आपके जैसा नौकर। हमारा मतलब है कि पति मिला है। बाकी पैसा में हमको लिपस्टिक, साड़ी, सैंडल हमको किनना है, चूड़ी, काम हम चला लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अगले महीने का भी पगार हम आपको दे देंगे, आप जाइए यहाँ से। सचो? हाँ। जाइए आप, जाइए ना। अच्छा रात आई जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी जिंदगी की सारी रोशनी, सारे रंग सब हमसे दूर हो गए। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और फिर कोई आया जिसने हमारा हाथ थाम कर हमारी जिंदगी की रोशनी, सारे रंग, सारी खुशियां वापस ला दी। और वो और कोई नहीं, आप हैं बैजू। आपको याद है आपने ये धागा हमें पहनाया था? हमें इस धागे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन हमें आपके विश्वास पर पूरा विश्वास था, इसलिए हमने ये धागा अपनी कलाई से कभी नहीं उतारा। और अब तो हमारी कलाई ही हमें किसी चीज का डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। आपने जो कुछ भी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए किया, उसके लिए जो ये हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से पत्नी अपने पति के पांव छूती है, लेकिन हम किसी भी परंपरा को मानकर नहीं, पूरी श्रद्धा से के पांव छू रहे हैं। अरे आप हमसे आशीर्वाद मांग रही हैं?
हम आपको आशीर्वाद कैसे दे सकते? मैडम जी, हम आपको कुछ दे सकते, हम देंगे भी। आऊ है हम तो है आपके रक्षक, रक्षक। अरे हम ही हैं आपके रक्षक, पूरी दुनिया से आपको बचाते आए हैं, लेकिन आपको हमसे कौन बचाएगा ये नहीं पता। ये हमारा असली चेहरा, हमारी असलियत, और हमारा नाम है बैजू भैया। आपके लिए हम बैजू भैया नहीं, आपके लिए हम हैं बैजू सैया। और शादी जो किए हैं आपके साथ, आपका तो एकदम ऐसा होश उड़ गया होगा, एकदम झटका लगा होगा जिंदगी में। आज सोच रही होंगी कि का हो गया, तो हम आपको बताते हैं आपके साथ का हुआ है। आई आई उठी, मनाएंगे सुहागरात आराम से। सुनो सुनो हमारी बात, सुनो, समझाएंगे अच्छे से, सुनो, कान खोल कर सुनो। कि जब हाथ खोल कर आप तमाचा मार सकती हैं, तो कान खोल कर सुनना भी सीखिए। याद है आपको, आपने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, यहाँ पे ऐसे थप्पड़ हमको गाल पे पड़ा था, लेकिन चोट हमारे दिल में लगा। हमारे घर में आके हमारे लोगों के सामने इतना जोर का झांटेदार झप्पड़ मारा था कि उसकी आवाज आज तक हमारे कान में गूंजती है। तभी से हम बेचैन हो गए थे, दिमाग बबूला हो गए थे, गुस्सा बहुत आ रहा था, मन करता था आपको गला दबा के आपको जान से मार डाले, लेकिन नहीं। अगर आपको हमेशा मार देते ना, तो आप एक ही सेकंड में परलोक सुधार लोगे, और एक ही सेकंड का सुख मिलता हमको, बाकी 20 साल का दुख मिलता जेल के अंदर। पर ऐसे में तो हमारा घाटे का सौदा था, और बैजू घाटे का सौदा ना करता नहीं। सोच सोच के हमें समझ में आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमारा जो सुख है ना बहुत लंबा हो जाएगा, और दुख छोटा। और आप तड़पे, आपको तड़पाने के लिए हम एक प्लान सोचे। अब प्लान क्या था वो हम बताते हैं आपको। अरे मैडम जी डरो मत, कहा है ना कि दूध है, हाँ पीते पीते बताएंगे। हाँ तो हम कह रहे थे कि हुआ का कि आपके घर पे आया सांप, याद है आपको, नहीं आपको नहीं, आपकी सास को काटने के लिए। सास भी नहीं, भूतपूर्व सास है ना। अब मौके पे बचाने के लिए हाजिर हुआ कौन है? बैजू, समझी, शक्कर का मैं। हाँ उसके बाद हम कह रहे थे तुमको कि छोटा मोटा चाल चलने के बाद ना हम चले अपना तुरुप का चाल, आपको लेके गए होटल। क्या नाम था होटल का? होटल पैराडाइज। होटल पैराडाइज यानी मर्दों का जन्नत, मर्द लोगों का, समझे ना, और आपके लिए जहन्नम। तो जिंदगी खराब हो गई उसके बाद, हम नहीं होते तो क्या होता आपका, है ना? कौन लगता है आपका? ये हस्बैंड है आपका या बॉयफ्रेंड है, या ऐसा ही चल दिया किसी के साथ? अब ऐसा है कि उसके बाद की जो कहानी है ना वो आपको पता है ना मैडम जी, कि कैसे हम आपकी जिंदगी में आए, गुंडे बन के आए, शुभ कुंडा बन के आए, तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गए, और साथ रहे तुम्हारे, और रक्षा करते करते आपके साथ रह रहे के ना आपका दोस्त बन गए ऐसे, है ना? इसके बाद ऐसे ऐसे मांग में सिंदूर भर के बन गए आपके स्वामी। स्वामी बोले तो पति, पति बोले तो स्वामी, और हम बने आपके मालिक और आप हमारी गुलाम। और आपकी जो चुंदरी है ना, ये दिखा। अरे एक मिनट एक मिनट, संभाल के रखो इधर। हाँ ये जो तुम्हारा चुंदरी है, ये है तुम्हारी गुलामी का निशानी। और इधर ये जो मंगल सूत्र है ना, अरे दिखाने तो जरा, ये जो मंगल सूत्र है ये है तुम्हारे फांसी का फंदा, समझी?
जो हम तुम्हारे गले में डालें, बिना वकील के, बिना दलील के तुमको हम फांसी का सजा सुना दें। हाँ, फांसी नहीं, इतना जल्दी थोड़ी ना मारेंगे तुमको, उम्र कैद का सजा, समझे? अब बैजू से जो तुमने पंगा लिया ना, हमारी घमंड को ललकार के तुमने सही नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा, समझे? मैडम जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो हैप्पी सुहागरात टू यू एंड टू मी। ठीक है तो मैडम जी, देख लो मिट गई दूरियां, हम यहां तुम वहां हम यहां। इसके बाद या एक आदमी भी आगे बढ़ा ना, तुम सब लोग का परलोक हम यही बिगाड़ देंगे। चुंदरी है, ये है तुम्हारी गुलामी का निशानी, और इधर ये जो मंगल सूत्र है ना, अब दिखाने तो दो जरा, ये जो मंगल सूत्र है, ये है तुम्हारे फांसी का फंदा। मिश्री जी, दरवाजा खोलिए। घबरा गए हैं क्या? सबेरे सबेरे दरवाजा खोलिए ना, देखो कौन आया है। हंस कह रहे हैं आप?
तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि तुमसे नजर ही नहीं हट रही है। अब उसमें आपका कोनो गलती नहीं है, हम है ही इतने ब्यूटीफुल। अब आप ना हमारे रूप में डूबी रहिए, हम जाके दरवाजा खोलते हैं। सवेरे सवेरे तुलारी दीदी वाव। सवेरे सवेरे सब घर आ गए हैं, का बात हो गया दुलारी दीदी, का इतना दांत चियार रहे हैं? आपको भी हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं का? अब अभी का है नहीं है से पूछताछ तुम अपना मिस्टर जी से करो। का है कि हम तो खाली तुम दोनों को बुलाने के लिए आए थे नाश्ता के लिए, तो चलो पहुंचो। ऐसा भी का चमत्कार हो गया हमारे चेहरे पे सवेरे सवेरे, देख के आते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रही हो।